गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो नाउ कंटिन्यू द क्लास 9 एंड रिवीजन ऑफ बायोलॉजी। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इन सेल चैप्टर, दैट इज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फर्स्ट वी नोट इज व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द सेल ऑर्गेनेल्स, क्लियर। जो अटैच होता है किससे, न्यूक्लियस से। अब इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर टू, रफ रेटिकुलम, क्लियर। सेकेंड होता है स्मूथ ईआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पे देखा है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे दिखाए गए, क्लियर। रफ मतलब सरफेस इसका रफ होता है, दैट इज आर ई आर। अब रीजन आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन सरफेस। इसके सरफेस के लिए दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसके सरफेस में प्रेजेंट होने की वजह से ये थोड़ा रफ होता है। और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। इसमें जो है राइबोसोम सबसे छोटे, इसलिए क्या होता है स्मूथ होता है। तो दोनों में डिफरेंस यदि आता है आपको तो रीजन दे सकते हैं, राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से आर ई आर जो है क्या होता है रफ होता है, तो उसके सरफेस ना होते हैं, और ये क्या होता है स्मूथ होता है, क्लियर। तो दोनों टाइप्स हो गए। अब देखते हैं इसमें इसका फंक्शन क्या है, व्हाट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू बिकॉज इट सेव द प्रोटीन, इन वेरियस पार्ट ऑफ सेल। ये जो है प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, बना हुआ प्रोटीन होता है सेल्स के अंदर, उसको सेल्स के ही अदर पोर्शंस में क्या करता है सेल्ड करता है, पहुंचाने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपके सेल्स में, तो सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एक्चुअल में न्यूक्लियस में ज्यादातर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उसको सेल्स के अदर पोर्शन, जैसे यहाँ पे लाइसोसोम्स भी हैं, वैक्यूम्स हैं, गाजी बॉडी है, अगर पोर्सन में क्या करते हैं इसको सेल बनाने का काम करते हैं, सो दैट इज देयर मेन फंक्शन, क्लियर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आता है, तो दूसरे से याद करना है, सेकेंडरी से उसका फंक्शन याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इन गाल्जी बॉडी। सो गाल्जी बॉडी दैट इज इन पैकेट्स, ये क्या होते हैं एक एपरेटस है जिसमें गॉल्जी बॉडीज क्या होते हैं साथ इंक्लूडेड होते हैं, एक्चुअल में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन के पैकेजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैकेट जैसा होता है, पॉलिथीन के जैसे पैकेट्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके जो हम फंक्शन देखें यहाँ, ये फंक्शन जो होते हैं इसके, दैट इज इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सिंथेसाइज मटेरियल नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो मटेरियल्स होते हैं यहाँ, अब वो चाहे प्रोटीन मटेरियल्स हो सकता है या शुगर मटेरियल्स हो सकते हैं, इस तरह से उन मटेरियल्स को क्या करता है स्टोरेज भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, उसको पैकेट्स बनाना मॉडिफाइड भी करता है, मतलब चेंज भी करता है, और सेल्स के अंदर और बाहर क्या करता है आउटसाइड एंड इनसाइड ट्रांसफर भी करता है। सेकेंड जो चीज है ये कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर आप ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे C12H22O11 ये कॉम्प्लेक्स है शुगर का पार्ट, अब इसको हम कन्वर्ट कर दिए C6H12O6
C6H12O6। फिर जो बड़ा सुगर था यहाँ पे ये वाटर के पहले उसमें H2 देखिए हाइड्रोजन हो गया 24 यहाँ पे 24 है, ऑक्सीजन हो गया 11 हुआ 12 यहाँ पे 12 है, कार्बन 12 यहाँ पे 12 है। तो एक बड़े लार्ज सुगर सिंपल सुगर में क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। ये है इसका फंक्शन, तो फंक्शंस को भी याद रखेंगे। जनरली एग्जाम में आपको फंक्शंस ही वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो पर्टिकुलर जितने भी आप यहाँ पे आगे उनसे उनके फंक्शन प्रॉपरली याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इन माइटोकांड्रिया। सो माइटोकांड्रिया ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब रीजन आता है इसका, तो रीजन क्या है, बिकॉज इट स्टोरेज फूड एट फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी आता है, तो आप लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इफ यू रिक्वायर एनर्जी, जनरली देखिए हम बात भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी का लॉस होता है। तो जब हम फूड इंटेक करते हैं वो फूड जो है आफ्टर रेस्पिरेशन क्या मिलता है, एनर्जी का बर्टन होता है, बाहर आता है एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है, क्या हो गया एटीपी, इस तरह एटीपी के फॉर्म में क्या हो गया स्टोरेज हो गया। और जब ये स्टोर रहता है, जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हम काम करके थक गए तो हमें एनर्जी लगेगा वहाँ पे, उस कंडीशंस में ये क्या करता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर उतनी एनर्जी अपने में से बाहर निकाल के फ्लो कराते हैं, देते रहते हैं, एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। जैसे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होते रहते हैं जब जरूरत होती है उसके हिसाब से। सिमिलरली यहाँ भी ये स्टोरेज करता है फूड को, और इफ रिक्वायर एनर्जी, जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में ये एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं, क्लियर। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही, बाकी जो आपका नोट्स हैं उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको डील कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे रिवीजन ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू टिश्यू चैप्टर। सो फर्स्ट यू रीड द योर नोटबुक, क्लियर। यदि आपके पास नोटबुक प्रॉपरली डेफिनेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। तो पहले आपके नोट्स पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो भी आपको डाउट्स होंगे उसके हिसाब से उसकी तैयारी आगे करें। ओके, क्लियर, थैंक यू।